तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर जुड़ी एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा SSC की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फाइनली SSC की ओर से कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का जो है एग्जामिनेशन जो है CHSL का, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर CHSL का फॉर्म फाइनली यहाँ पर आ चुका है। आज की डेट से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इससे संबंधित दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी बताएंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की डेट से ही दोस्तों यहां पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी 4 जनवरी 2023। करीब दोस्तों यहाँ पर आपको 1 मंथ का समय दिया जा रहा है। लास्ट डेट को आप बिल्कुल भी ना बैठे, 4 जनवरी तक ही आप इसकी फीस भर सकते हैं, 4 जनवरी तक ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन मोड में चाहती हैं तो लास्ट डेट है इसकी 5 तारीख और 6 तारीख तक आप चालान के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 9/1/2023 से 10/1/2023 2 दिन के लिए आपको करेक्शन मिल करने के लिए मिलेगा। CBT 1 की बात करें तो फरवरी और मार्च में दोस्तों यहां पर आपका एग्जाम होगा। CBT 2 की बात करें तो यहां पर अभी फिलहाल की डेट में कोई भी डेट नहीं आई है। बात करेंगे आपके पोस्टों की, तो LDC की पोस्ट मिलेगी, लोअर डिवीजन क्लर्क की, जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट की मिलेगी। लेवल आपका रहेगा 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 आपका वेतन रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट मिलेगी, जिसमें 25,500 से 81,100 तक वेतन रहेगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में ग्रेड 1 की दोस्तों रहेगी पोस्ट, 25,000 से लेके 25,500 से 81,100 तक आपका यहाँ पर वेतन मान रहेगा। बात करेंगे वैकेंसी की, तो वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर समथिंग आपकी 4,500 पोस्टें रखी गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो, सभी कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी में बात करेंगे तो शॉर्ट में दोस्तों यहां पर हम आपको दिखा देते हैं इससे संबंधित जानकारी। तो एज लिमिट दोस्तों यहां पर 1/1/2022 के अकॉर्डिंग मापी जाएगी। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है 1/1/22 के अनुसार, मतलब कि दोस्तों यहां पर 2/1/95 से लेके 1/1/2004 के बीच में आपका जन्म हो। SC ST 5 साल, OBC 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। बाकी यहां पर एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप सभी के लिए अलग अलग दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों यहां पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगा गया है 12वीं क्लास पास आउट। यदि आप 12वीं क्लास पास आउट है तो आप इस पोस्ट के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से फॉर्म भरना है इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस दोस्तों यहाँ पर रहेगी 100 रुपये, जो कि यहाँ पर OBC बॉयज और यहाँ पर EWS बॉयज और जनरल बॉयज के लिए 100 रुपये की फीस है। बाकी सभी कैंडिडेट को कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। शॉर्ट में बात कर रही है दोस्तों यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो फीस है वो मैंने आपको बता दी है। करेक्शन यदि आप करना चाहें तो 200 रुपये रहेगा फर्स्ट टाइम, और यदि आप सेकंड टाइम करेंगे तो 500 रुपये का आपको करेक्शन करना पड़ेगा, चार्ज आपका पेवल होगा। 4,500 पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं क्लास पास आउट हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप चेकआउट करेंगे या फिर डायरेक्ट सर्च करेंगे आप ssc.nic.in और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यदि आप पहले के रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड देना है। यदि आप न्यू यूजर हैं, अभी तक आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो न्यू यूजर वाले सेक्शन पे आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक और न्यू इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहां पर आप न्यू तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपका न्यू रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपको यहां पर सिंपली तरीके से लॉग इन हो जाना है। यदि दोस्तों यहाँ पर आप अपना आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाना है, यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं और यहाँ से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट रहेगा। जो आईडी पासवर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पर रीड आउट करने के लिए देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉग इन हो जाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉग इन होंगे, आपको यहाँ पर पासवर्ड दे देना है। तो जो भी आपका पासवर्ड हो, आपने आईडी बनाई है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है, तो जो भी आपका कैप्चा कोड है सेम एज इट इज कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दे देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली तरीके से लॉग इन हो जाना है। जैसे आप यहाँ पर लॉग इन होंगे तो आपका अकाउंट दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी लॉग इन है, इनटू सिस्टम प्लीज लॉग आउट टू कंटिन्यू। तो दोस्तों यदि आपको कुछ इस तरीके से आती है तो आपको दोबारा से यहाँ पर चेकआउट करना है।
कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दोबारा से आपको इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक और न्यू इंटरफेस आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी जो डाटा रहेगा वो आपका पहले से रीड आउट रहेगा। यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वो आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके स्टेट के एग्जाम सेंटर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और बाकी के दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे आपके नियरेस्ट में रहेंगे, आपके स्टेट वाले से जो सेंटर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। एक एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, बाकी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, किस मीडियम में आप टाइपिंग टेस्ट देंगे, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, तो जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट का मीडियम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया वेदर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स, यदि आप साइंस वाले हैं, यदि आप पीसीएम से 12वीं किया है तो आप इस डाटा एंट्री ऑपरेटर को फॉर्म को भर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसको सिंपली तरीके से छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप अदर देन वाले हैं, ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में आप मैथ्स वाले हैं एज अ सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली तरीके से इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको इसको नो करना है, नो करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जरा से आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर बाकी का डाटा आपका यहाँ पर जो रहेगा वो बंद रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करेंगे, यस करेंगे, जो भी आपकी क्राइटेरिया आएगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, और नहीं है तो सिंपली तरीके से नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 12वीं क्लास की जानकारी देना है, तो 12वीं क्लास जब भी आप पास आउट हुए थे या अपेयरिंग में हो, लास्ट ईयर हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पास आउट है तो कंप्लीट करेंगे, यदि आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पासिंग ईयर नहीं आएगा, आपको केवल यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करने को आ जाएगा। और बोर्ड सेलेक्ट में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके बोर्ड हो, हर एक स्टेट का बोर्ड दोस्तों यहाँ पर आपको आएगा। मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएंगे। और यदि आप अदर स्टेट के हैं, ध्यान रखें दोस्तों जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको केवल और केवल दिल्ली सेलेक्ट करना है। सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान रखें, सीबीएसई में दिल्ली बोर्ड सेलेक्ट करना है, दिल्ली आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तभी आपका यहाँ पर सीबीएसई का बोर्ड आ जाएगा। तो यदि आप एनआईओ से वाले हैं तो आप यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, यदि आप सीबीएसई वाले हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप लोकल स्टेट वाले हैं तो आप अपने स्टेट का जो भी स्टेट बोर्ड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 12वीं का रोल नंबर देना है, तो जो भी आपका 12वीं का रोल नंबर है, अपेयरिंग में आपको ये भी चीज़ कोई चीज़ नहीं देना है। और यदि आप पास हैं तो पास में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है, तो जब भी आप 12वीं पास आउट हुए थे वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप दोबारा से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है। रोल नंबर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परसेंट देना है, जो भी आपका परसेंट रहा वो परसेंट देंगे। जरा से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पे यस करना है, जरा से आपको नीचे। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ टेकन का ऑप्शन आ जाएगा। फोटोग्राफ ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर 6 सितंबर 2022 की यहाँ पर दी गई है, डेट तो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको करंट जो आपकी ईयर है वो या जो आपका मंथ है उस ईयर की ही आप फोटो दें। ध्यान रखें 6 सितंबर के बाद का ही आपको फोटो हो, यहाँ पर आपको फोटो लगाना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर लगाना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ से आई एग्री करना है, और यहाँ पर सिंपली तरीके से आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है, वो कैप्चा कोड आपको सेम एज इट इज भरना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते है, फोटो को अपलोड कर लेते हैं और सिंपली तरीके से दोस्तों यहां पर हम इसको सबमिट कर। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन तीन ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, एक पेमेंट का आ जाएगा, पेमेंट का, प्रिंट का, ओके का। तो दोस्तों यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी एस और यहाँ पर आपके जनरल गर्ल्स किसी के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगना है। बॉयज के लिए 100 रुपये का पेमेंट करना है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बॉयज को पेमेंट करना है और जनरल बॉयज को यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं रहेगा। यदि आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है तो आपको पे नाउ वाले सेक्शन पे जाना है और सिंपल तरीके से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर फुलफिल करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट दोस्तों यहाँ पर नेट बैंकिंग भीम यूपीआई से 100 रुपये का आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपका जो फॉर्म रहेगा वो आपका फॉर्म कंप्लीटली प्रिंट होकर आ जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मन कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।